यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो फोर्स का गठन कर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है, जो अन्य प्रदेशों के लिए भी आदर्श बन गया है। इसके बेहतर और कारगर परिणाम को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने भी इसी तर्ज पर महिला चीता पुलिस बना डाली। आज हरिद्वार में डीजीपी एमए गणपति ने हरी झंडी दिखाकर इस नई फोर्स को लॉन्च किया। इस मौके पर डीआईजी पुष्पक ज्योति समेत पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी एमए गणपति ने बताया कि फिलहाल यह फोर्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तैनात रहेगी, क्योंकि इस समय ही इनकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। उन्होंने बताया कि इसकी तैनाती अधिकांशतः स्कूल, कॉलेज तथा ऐसे संस्थानों पर रहेगी जहां से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की ज्यादा शिकायतें मिलती रहती हैं। पहले देहरादून में ये प्रयास से शुरू किए थे, विशेष रूप से देहरादून में महिला सुरक्षा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसी के तहत किया था। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ, उनकी तरफ से भी वहाँ बाइक दिया गया था, करीब 25। तो देहरादून में तो विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए है और पूरा सभी जो चीता है महिलाएं द्वारा संचालित, लेकिन हरिद्वार का परिस्थिति को देखते हुए हम लोग इसको मिक्स किए हैं। मतलब इसमें कुछ महिला भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं और कुल मिला के यहाँ के लिए 35 है और ये दोनों हरिद्वार शहर और रुड़की के लिए होंगे। क्राइम्स वगैरह होता है जहाँ इस तरह का पॉइंट्स चिन्हित है वहाँ ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल क्राइम जो है यहाँ हरिद्वार में देहरादून से ज़्यादा होता है क्योंकि यूपी से लगा हुआ है, उसमें भी क्राइम वगैरह फास्ट क्राइम होने पर कैसे घेराबंदी किया जाएगा उसके लिए हमारे लिए एक्स्ट्रा संसाधन। तो कुल मिला के महिलाओं की सुरक्षा साथ साथ जो नॉर्मल जो क्राइम पेट्रोलिंग का काम है, प्रिवेंशन और ऑफेंसिव दोनों कार्रवाई के लिए। सर अभी ये 10 से 5 तक की चीता है महिला सुरक्षा वाली, तो ये 24 घंटे कैब होगी या इसको आगे करने का प्रयास होगा या नहीं? देखिए इसमें मुख्य रूप से जो पीक टाइम होता है क्राइम के हिसाब से, ये प्रॉब्लम के हिसाब से उसी टाइम में डिप्लॉय किया जाएगा। रात को तो इस तरह का अपराध तो कम ही होता है, देर रात को 12 बजे बाद या 5 बजे से पहले, तो विशेष रूप से जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है उस टाइम जहाँ इस तरह का घटना घटित हो। महिला चीता पुलिस में कुल 40 दोपहिया वाहन होंगे, जिनमें 35 स्कूटी तथा 5 मोटरसाइकिलें होंगी। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप की रिपोर्ट।